1 2 3 and go. 1 2 3 and go. तो भाई फिर दिस इज अब्दुल रहमान कौन SSG मोबाइल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं दोनों डिवाइस का डैमेज आपस में करवा के देखे जाएंगे, कौन सी डिवाइस बुलेट कनेक्टिविटी पहले करती है, कौन सी डिवाइस ज्यादा फास्ट है पबजी के हिसाब से। दोनों में सेम चिपसेट है, ब्रांड चेंज है, वन प्लस है, एक साइड पे शाओमी है। तो देखते हैं कौन सी डिवाइस ज्यादा फास्ट है। रूम मैंने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे जो है वो मैं इस डिवाइस को भी इनवाइट भेजता हूँ। ये इनवाइट आ गई, ये आ गया गेम में बंदा, ये भी यहाँ पे। अब दोनों डिवाइस को जो है वो कंपैरिजन करके देखते हैं कौन सी डिवाइस ज्यादा फास्ट है, बुलेट कनेक्टिविटी के हिसाब से कौन सी डिवाइस ज्यादा फास्ट चलती है। तो ओवरऑल होनेस्ट व्यू जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोनों डिवाइस आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी तकरीबन आप कह लें कि 1.5 साल पुरानी डिवाइस होने वाली है, ये भी इतनी ही पुरानी डिवाइस है, दोनों में इतना कोई डिफरेंट नहीं है। जायरो परफॉर्मेंस दोनों की ही बेस्ट है। 1 2 3 एंड गो। तो भाई लाजवाब परफॉर्मेंस, वन प्लस जी हाँ गाइस, 1+8T यहाँ पे हमारा पहला राउंड जो है वो जीत चुका है। अब करते हैं इनको इस तरह रख लेते हैं, 1 2 3 एंड गो। तो यहाँ पे जो अभी 10T विन हुआ है, बहरहाल एक चीज आपको क्लियरली दिखी होगी, HP जो है ना वो वन प्लस की बहुत जीरो पे बची थी, जबकि 10T की जो HP है ना वो काफी तकरीबन आप कह रहे 20% 30% बच गई थी। 1 2 3 एंड गो। तो भाई वन प्लस बुलेट कनेक्टिविटी OP, वन प्लस की बुलेट कनेक्टिविटी है जो वो 10T को पहले डेड कर रही है। यहाँ पे पहला राउंड जो है वो हमारा 1+8T है वो जीत चुका है। बुलेट कनेक्टिविटी जालिम है भाई। तो यहाँ पे टैप टैप करके फायर देते, 1 2 3 4 5। भाई 5 बुलेट तक गया है हमारी दोनों डिवाइसेस M4 की वेस्ट के ऊपर। तो भारत यहाँ पे 10T है वो जीत चुका है M4 के हिसाब से, ठीक है। M4 के हिसाब से टैप टैप करके फायर दिया, वो 10T ने ज़्यादा जल्दी बुलेट कनेक्टिविटी करी है इतना 10T को, जिसमें कि डैमेज नहीं पड़ा, दिया दोनों को। अब देखते हैं हेड के हिसाब से कौन सी डिवाइस ज़्यादा फास्ट है। 1 2 3 एंड गो। तो भाई अभी भी 10T की HP आप देख लें कितनी बची है। यहाँ पे 10T अपने परफॉर्मेंस दिखा रहा है 90 FPS की। अगर इतने चिपसेट होने चाहिए, अगर 10T इधर खड़ा नहीं, ये देखिए एम 10T का काफी अच्छा जा रहा है। अगर यही एम इसका हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए कितनी बुलेट दोनों को लगानी पड़ी है अपने हिसाब से, आपने खुद ही जज कर लिया होगा। पर यहाँ पे दोनों डिवाइसेस पे मैंने M24 सेलेक्ट कर लिया है। M24 के यहाँ पे 3 राउंड ही करेंगे हम। M24 के हिसाब से देखते हैं कौन सी डिवाइस यहाँ पे ज्यादा तगड़ी है। मैंने लगा दिया पहला राउंड, तो ये हमारा 80 जी चुका है। ये देखिए डिवाइस जैसी हीट हो रही है ना, इसको मैंने आपको पहले टेम्परेचर था 41 पे, इसका टेम्परेचर चला गया 39 से। इतनी हीट नहीं हुई, फिर भी फ्रेम रेट की समझ में नहीं आती फ्रेम क्यों गिराती है ये। 1 2 3 एंड गो। तो यहाँ पे जो है हालांकि सेम टाइम पे सेम चली है 10T को, तो यहाँ पे बुलेट ना कनेक्ट ही नहीं हुई। हालांकि बुलेट दोनों की चली है, एक डैमेज एक होता ना कि डैमेज तो कम से कम पड़े, पर यहाँ पे 10T का डैमेज ही गेन नहीं किया। जो फर्स्ट बुलेट कनेक्ट हो गई वो 10T की हो गई है M24 पे। तो नेक्स्ट हम फिर एक बार राउंड चेक करके देखते हैं, 3 राउंड इसमें भी किए जाएंगे, उस हिसाब से कौन सी डिवाइस ज़्यादा फास्ट है। तो नीचे मेरा इस टाइम आ गया है 80, ऊपर चला गया है 10T। तो वेस्ट पे रखा सीने में, ये रखा सीने पे। 1 2 3 एंड यहाँ पे फिर 10T है जो उसने बुलेट का ऑप्शन ही नहीं लिया भाई, के बुलेट नाम की कोई चीज़ होती है। यहाँ पे 2 राउंड है, ये देखिए ये हीट हुई है डिवाइस, ये फ्रेम रेट इसके ड्रॉप होना शुरू हो गया। बाकी भाई AC वैसी इसको कूलिंग फैन लगा के खेलना पड़ेगा आपको। दोनों पे हेड पे आ जाएंगे कि हेड के हिसाब से कौन सी डिवाइस ज़्यादा फास्ट पकड़ती है। तो भाई गन सेलेक्ट करो भैया। 1 2 3 एंड गो। तो भाई यहाँ पे भी जो 10T ने बुलेट गेन ही नहीं करी, देखिए 10T को डैमेज पड़ा ही नहीं है।
तो हेड के हिसाब से भी 10T थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ गड़बड़ नहीं आ रही, क्या 10T गर्म होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देता है क्या? एक आखिरी और फाइनल राउंड हम करके देखते हैं, जो ये राउंड जीतेगा वो ही विनिंग कहलाएगा। तो दोनों के ही यहाँ पे हेड सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये फाइनल राउंड है, विनिंग राउंड है, जोन से ये राउंड जीत गया वो जीत गया। वेस्ट के हिसाब से बात की जाए तो वेस्ट के हिसाब से 10T ज़्यादा फास्ट था, 10T वेस्ट जीत चुका था अपनी। तो 1-2 है, थोड़ा से जिससे बड़ा वेस्ट बन देगा, 1-2-3 एंड गो। तो भाई फिर अगेन 10T यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट निकला है बनिस्बत वन प्लस एटी के। तो ये पेस में होते तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाता है, क्योंकि इतनी लेवल की इन्होंने डिवाइस बनाई है। बहरहाल ओवरऑल अगर बात करूँ गेमिंग की इनकी, तो 10T स्टिल गेमिंग के हिसाब से अभी भी बेस्ट है। गेमिंग के हिसाब से 90 FPS जो दे रहा है वो अभी भी कमाल की दे रहा है, और कमाल की परफॉर्मेंस भी दे रहा है। बहरहाल ये थे हमारा आज का रिव्यू, ये थी हमारी आज की कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, वक्त के लिए अल्लाह के बाद।